नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करने से आपके पर्स में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। हम दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करके पैसे कमाते हैं, लेकिन पैसे हमारे पर्स में रुकते ही नहीं हैं। इसे रोकने के लिए साथ में एक उपाय है, उन उपायों को लेकर आज मैं आपको बताऊंगी कि पैसे किस तरह रोक सकते हैं। नंबर वन, माँ लक्ष्मी जी की तस्वीर। आप जैसे जानते ही हैं कि माँ लक्ष्मी जी एक धन रूपी माता हैं, जिन्हें आप अपने पर्स में रखते हैं तो उन्हें संभाल कर रखें, वो कभी गिरे ना और कभी भी खोए ना, इससे आपके पर्स में कभी भी पैसों की कमी नहीं हो। नंबर टू, पीपल के पत्ते। आप सभी जानते हैं पीपल के पत्ते हिंदू में पूजनीय हैं। अगर पीपल के पत्ते को गंगा जल से धोकर उस पर श्री लिखें और श्री लिखने के बाद रोजाना ही पर्स में चेंज करें, ऐसा करने से भी आपके पर्स में कभी भी पैसों की कमी नहीं रहेगी। नंबर तीन, अक्षत, जिन्हें चावल भी कहा जाता है। अगर 21 दाने चावल के आप अपने पर्स में रखते हैं तो ऐसा करने से भी आपके पर्स में कभी पैसों की कमी नहीं आएगी। नंबर चार, अगर आप कहीं जाते हैं और जाने पर आपके बड़े बुजुर्ग आपको विदाई के टाइम पर कुछ पैसे देते हैं तो उसे आशीर्वाद समझकर आप अपने पर्स में रखिए और उन पैसों को कभी खर्च ना करें, ऐसा करने से भी आपके पर्स में कभी पैसों की कमी नहीं आएगी। नंबर पाँच, चांदी का सिक्का। चांदी का सिक्का अगर आप अपने पर्स में रखते हैं तो ऐसा करने से भी पैसों की कमी नहीं होती, लेकिन ध्यान रखें, चांदी के सिक्के को माँ लक्ष्मी जी के चरणों में रखें फिर उसे अपने पर्स में रखें, ऐसा करने से आपके पर्स में कभी पैसों की कमी नहीं होगी। तो ये थे कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करने से आपके पर्स में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।